हम सभी पिछले 4 वर्षों में प्रिय जीवन के लिए ब्रेक्सिट हिंडोला पर चढ़ रहे हैं। वित्तीय बिल, आयरिश सीमा, नागरिक अधिकारों सहित मुद्दे आए और गए हैं। अब मीरा गो राउंड मछली पकड़ने के अधिकार के कारण पीसने का पड़ाव आ गया है और आप समझ सकते हैं, अपने आप से पूछें क्यों। सतह पर मछली पकड़ना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यह यूके में समग्र अर्थव्यवस्थाओं का केवल एक छोटा सा अंश है, जहां यह 0.1% से कम बनाता है, और यूरोपीय संघ में, जहां यह कार उद्योग के साथ तुलना में 180,000 लोगों को रोजगार देता है, जो सीधे 6.5 मिलियन काम करते हैं। कुछ भूमिहीन देशों में मछली पकड़ने के बेड़े नहीं हैं। मछली पकड़ने के अधिकारों में कोई भी परिवर्तन ऑस्ट्रिया या लग्जमबर्ग की अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ देगा। दूसरी ओर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का दावा है कि मछली पकड़ना हमारे देश के लिए एक आवश्यक आर्थिक हित के रूप में है, जिसका बचाव किया जाना चाहिए। ब्रिटिश जल तक पहुंच यहां दांव पर है। वॉटर्स जो अपने डिनर प्लेट्स पर यूरोपीय लोगों का आनंद लेते हैं, उससे समृद्ध होते हैं। हेरिंग, मैकेरल एकमात्र, और शेलफिश जैसे कि लैंगोस्टाइन 6,000 नावों और 12,000 मछुआरों के ब्रिटेन के बड़े पैमाने पर बेड़े के बावजूद यूरोपीय संघ के ट्रॉलर प्रति वर्ष 700,000 टन से अधिक मछली पकड़ते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय संघ के नियमों से बंधा हुआ है, जिसमें इस वर्ष के अंत तक अपनी सामान्य मत्स्य नीति भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि ब्लॉक से नौकाओं को ब्रिटिश जल से पहले 12 समुद्री मील 22 किलोमीटर को छोड़कर बाहर तक पहुंचा जा सकता है सागर किनारा। हालांकि वे जो भी पसंद करते हैं उसे पकड़ नहीं सकते हैं, जो कि वार्षिक कोटा द्वारा तय किया गया है। मछली कहां बेची जा सकती है, इसका सवाल भी है। ईयू का कहना है कि क्विड प्रो क्वो यह है कि ब्रिटेन की मछली पूरे बाजार में बेची जा सकती है, जिसमें 90% सामन, मैकेरल और कॉड हैं, जो ब्रिटिश जल में पूरे महाद्वीप में प्लेटों पर समाप्त होती है। फिशिंग हालांकि अर्थशास्त्र के एक विषय से अधिक है, ब्रिटेन में यूरोएप्टिक्स के लिए यह ब्रेक्सिट गाथा का टोटेमिक मुद्दा है। यदि नियंत्रण वापस लेने का मतलब कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि न केवल आपके देश की सीमाओं को बल्कि इसके समुद्रों को भी नियंत्रित करना, विशेष रूप से एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो एक बार अपने नौसेना कौशल पर गर्व करता था। ब्रिटेन के अलग अलग तटीय शहरों में मछुआरों की घटती संख्या को ऐतिहासिक महानता के अवशेष के रूप में देखा जा सकता है, जो यह महसूस करता है कि देश खो गया है, जबकि फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड में अंग्रेजी चैनल के मामले में भी यही है। मछली पकड़ने के समुदाय अभी भी अपनी आर्थिक शक्ति से परे हैं। संक्षेप में, मैक्रोन अपने देश के मछुआरों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ब्रेक्सिट के बहुत कुछ की तरह इतिहास गहरा चलता है। फ्लैंडर्स की सरकार ने कहा है कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा जारी 1666 की संधि को लागू करने की कोई योजना नहीं है, जो ब्रूस शहर के 50 मछुआरों को ब्रिटिश जल में अनंत पहुंच के लिए 50 मछुआरों को अनुदान देती है। लेकिन समझौता इस सप्ताह हवा में हो सकता है। पर्यावरण, महासागरों और मछली पकड़ने के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त वर्जिनजिस सिंक्विकियस ने यूरोन्यूज ग्रीन सप्ताह कवरेज के एक भाग के रूप में मुझे एक साक्षात्कार में बताया, दोनों पक्षों को मत्स्य पालन पर एक सामान्य लैंडिंग जोन खोजने की आवश्यकता थी। हालांकि यह विचार दूर की कौड़ी लग सकता है। मछली पकड़ना सिद्धांत रूप में पूरे ब्रेक्सिट व्यापार समझौते को डुबो सकता है, बिना किसी सौदे के या बिना किसी संदेह के रहे। मछली पकड़ने के अधिकारों पर लड़ाई आने वाले कई वर्षों तक इतिहास बनाएगी।